तो दोस्तों पबजी लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यानी कि इस दिवाली आपको जो पबजी लवर्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छा गिफ्ट जो है पबजी की तरफ से मिल सकता है। दोस्तों काफ़ी जो है कंफर्म खबरें आ रही हैं कि पबजी अब वापस कमबैक करने वाला है। हालांकि पबजी ने यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करके इंडिया में पबजी को लॉन्च करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पबजी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर के साथ पार्टनरशिप करके उसका जो पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो इंडिया में ही स्टोर होगा, और साथ में पिछली जो पबजी आप जो चाइनीज़ वाला वर्जन था, यानी कि जो मतलब टेंसेंट के साथ जो है मतलब जो पबजी इंडिया में पहले चलती थी जो गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई है, उसमें जो भी कुछ आपका डाटा था, जितने भी आपने जो इसमें परचेजिंग कर रखी थी, कपड़े बाय कर रखे थे या कुछ भी ले रखा था, या जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स थी, वो सारा का सारा डाटा आपका पबजी वालों ने बताया हुआ है कि वो वापस आ जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा आपका, और जो भी जितनी भी जैसी भी आपकी आईडी पहले थी वो सारी आईडी आपके वापस आ जाएगी। यानी कि वो जो है चाइनीज़ जो टेंसेंट कंपनी है उसका डेटा जो है वापस माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करके इंडिया में इसको स्टोर करेंगे, जिससे कि आपका जो भी पहले का डाटा था वो सारे की सारी आपकी प्रोफाइल रीस्टोर हो जाएगी जब भी पबजी इंडिया में लॉन्च होगा। बाकी जो इंडिया के लिए जो स्पेशली पबजी लॉन्च होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हो सकता है, और ग्लोबल वाला जो पबजी होगा उससे उतना डिफरेंट नहीं होगा। हालांकि होगा वही वाला पबजी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंडिया के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा पबजी, जो कि स्पेशली इंडिया के लिए बनेगा, और हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी देखने को मिले, अलग अलग गन्स देखने को मिले, हल्का फुल्का मैप में भी चेंजेस आपको देखने को मिले। बाकी जो है पबजी धीरे धीरे इन्वॉल्व करके इंडिया के हिसाब से जो है उसे आगे से आगे उसके ग्राफिक्स को धीरे धीरे करके हाईफाई करेंगे। हालांकि हो सकता है कि अभी उसमें लिमिटेड चीज़ें आपको देखने को मिले, क्योंकि इंडिया के लिए स्पेशली पबजी डिज़ाइन किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके, तो हो सकता है इसको उसमें आपको थोड़ा सा लाइटर वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि मतलब कुछ ग्राफिक्स आपको कम देखने को मिले, ग्राफिक्स तो ज़्यादा कम नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि मैप आपको हो सकता है ज़्यादा मैप्स देखने को ना मिले, एक दो मैप्स आपको देखने को मिले स्टार्टिंग में, क्योंकि रीडिज़ाइन होकर इंडिया में लॉन्च होगा पबजी, तो शुरू में आपको लिमिटेशन होगी, लेकिन जैसे जैसे पबजी इंडिया में चलता जाएगा तो वो अपडेट दे दे के तो उसमें इंडिया में जो है और भी जो इंडिया की जो पबजी होगी उसमें और भी फीचर्स उसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे कि ग्लोबल वाली पबजी में धीरे धीरे करके उसे ऐड करके जो है काफ़ी उसमें आपको मैप्स देखने को मिलते थे, तो वैसे ही इसमें चलेगा। तो इंडिया के लिए यानी कि अलग से पबजी होगा, वो ग्लोबल वाले पबजी से जो है इंडिया के लिए अलग होगा, वो सिर्फ इंडिया में ही चलेगा और इंडिया के लिए ही बनेगा। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ खबरें आ रही हैं। बाकी देखने वाली चीज़ ये होगी कि 12 नवंबर को भी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो 12 नवंबर आप देख ही सकते हो, तो पबजी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि 12 नवंबर को कुछ अपना वो ट्रेलर वगैरह या कुछ भी ऐसा जो है मतलब लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि 12 नवंबर को पता चलेगा एग्जैक्टली कि पबजी इंडिया में कब आने वाला है और कब तक हम इसे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। 12 नवंबर को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है, तो 12 नवंबर का फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या क्या पबजी अनाउंसमेंट करता है। बाकी पबजी ने ये तो कंफर्म फिलहाल कर ही दिया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंडिया में कमबैक कर रहे हैं। बाकी 12 नवंबर को जो भी उनकी अनाउंसमेंट होगी या कुछ भी वो ट्रेलर लॉन्च करेंगे, तो जो उन्होंने कैंपेन चला रखा है जिसके थ्रू वो मतलब इंडिया में जो है अपने सारे सेटअप कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, कि जिससे कि भी जो ये बताया जा रहा है कि जो पबजी है वो दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ऐसी भी खबरें पबजी की तरफ से आ रही हैं, तो ऐसा वो बता रहे हैं कि इस वक्त तक जो है हम पबजी लाएंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 12 नवंबर को क्या अनाउंसमेंट होती है, कैसा ट्रेलर लॉन्च होता है, और कब तक हमें फिक्स डेट देखने को मिलती है जब हमें इंडिया में पबजी देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि हमें थोड़ा जल्दी भी देखने को मिल जाए, दिवाली के कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाए, वो अनाउंसमेंट में ही पता चलेगा 12 नवंबर को। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई थी फिलहाल पबजी की तरफ से, यानी कि पबजी लवर्स अब गेम खेलने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि पबजी जल्दी अब कमबैक कर रहा है, और आप अपने स्मार्टफोन में जैसे पहले पबजी खेलते थे वैसे ही आप गेमिंग पबजी की जो है इंडिया में अब दोबारा से आप कर पाओगे एक नए इंडियन पबजी वर्जन के साथ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इंडिया के लिए स्पेशल नया पबजी आपके सामने अब आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।